नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर भवेदी भाटिया टॉक शो के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल की रेमेडीज की, या कह सकते हैं हम मांगलिक दोष, उसको मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं और आपको उसके सटीक उपाय मैं बताने वाला हूं। मांगलिक दोष होने के कारण कई बार विवाह में देखा जाता है कि विलंब आते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं इससे, तो उसका एक सटीक उपाय आज मैं आपसे शेयर करूंगा। परंतु देखिए, प्रैक्टिकली जो प्लैनेट्स की सिचुएशन है वो आपको समझनी तो पड़ेगी। तो मेरी पहली एडवाइस इस केस में आपको ये रहेगी कि आपको, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, वैसे तो 28 साल तक मांगलिक दोष वाले जातकों का विवाह हो ही नहीं पाता, परंतु आपको अगर हो सके तो 28 साल तक विवाह अवॉइड करना चाहिए। दिस इज एन ऑनेस्ट ओपिनियन। उसके बाद नंबर दो, अगर आपकी शादी बाय दिवे अज्ञात किसी भी कारण, और आप लोग कुंडली को ही मानते हैं और अब आपकी शादी प्रॉब्लम में चल रही है, तो आप और आप मांगलिक भी हैं, तो आपको करना क्या है, सिंदूर लेके ना, सिंदूर को आपने मंगलवार से उपाय शुरू करना है। 43 दिन लगातार जो है छोटी छोटी कुड़िया आप बना सकते हैं, बना के उसे पृथ्वी में यानी कि धरती के अंदर उसे दबाना है। कहीं पर भी अपनी आपके खुद की लैंड नहीं होनी चाहिए, बस बाहर कोई भी आप आउटर लैंड पे उसे दबा सकते हैं, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तीसरा नंबर, हनुमान जी की आपको रेगुलर आराधना करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में जो है आपके दक्षिण दिशा जो है आपको भारी रखनी है, नंबर टू। और इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप हर मंगलवार हनुमान जी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये तीन या चार जो रेमेडीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, इसको आपको फॉलो करना है यदि आपका रिलेशनशिप इस समय खतरे में है मांगलिक दोष के कारण, और मांगलिक दोष यदि आपकी कुंडली में है तो आप इन उपायों को कर काफी हद तक मांगलिक दोष दूर कर सकते हैं। परंतु ऑनेस्टली स्पीकिंग, पूरा दोष दूर कभी नहीं होता है, और ऐसे दोष के अंदर ये कहा जाता है मांगलिक दोष में कि दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर नहीं रहता, तो वैसे तो एहतियात बरते, परंतु फिर भी अगर आप मांगलिक दोष से सफर कर रहे हैं तो इन उपायों को करके मांगलिक दोष से छुटकारा पाइए।